नए वीडियो में सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था दिसंबर 2023 में, जब मैं सिंगापुर गया था मुंबई से। और खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एयर इंडिया से सिंगापुर ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट इस फ्लाइट को लेकर के था कि पहली बात तो ये एक बहुत छोटा एयरक्राफ्ट था, A320। इस फ्लाइट के अंदर कोई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट के पीछे स्क्रीन होती है, वो यहाँ पर गायब थी। आपने हर फ्लाइट के अंदर एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कार्ड देखा होगा। इस फ्लाइट के अंदर वो कार्ड बुरी स्थिति में था, काफ़ी जगह से फटा हुआ था। खाना जो सर्व किया गया वो भी काफ़ी ऑर्डिनरी था, ठंडा था। और क्रू को देखने से ये लग रहा था कि क्रू लगता है लंबे समय से सोया नहीं है, बैक टू बैक फ्लाइट कर रहा है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक बार में क्रू एक ही फ्लाइट करता है, पर वो लोग किसी वजह से टायर्ड नज़र आ रहे थे। मौजूदा समय में यानी कि अभी सितंबर 2024 में जो एयर इंडिया का मुंबई टू सिंगापुर फेयर है वो है 17,000 रुपये रिटर्न फेयर, और सिंगापुर एयरलाइंस का है 22,000 रुपये। बट यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं तो जो आपका प्लेन होने वाला है वो एयरबस 320 होगा, लेकिन अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं तो वो हो सकता है कि आपका प्लेन या तो 777 हो, बोइंग 777, या उसके अलावा A380 भी हो सकता है। तो अगर मैं अपना कहूँ तो मेरे हिसाब से मैं पसंद करूँगा सिंगापुर एयरलाइन में ट्रैवल करना, भले 4,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़े रिटर्न फ्लाइट के लिए, लेकिन एटलीस्ट जर्नी जो होने वाली है वो ज़्यादा स्मूथ होगी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट होगा, अच्छा खाना होगा, और जो सीट है वो एयर इंडिया के A320 से वाइड है A380 की, क्योंकि मैं A380 में पहले ट्रैवल कर चुका हूँ एमिरेट्स में, और लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट और सिंगापुर एयरलाइन की। तो सिंगापुर एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है, और सिंगापुर एयरलाइन भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन है। सिंगापुर में एंटर करने पर इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होता है? चांगी एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, और जो सेकंड स्टेप है वो आपको अपना फेस रीड कराना है। मशीन होगी वहाँ पर, आपकी आँखें और आपका फेस रीड करेगी, दैट्स इट। उसके बाद आप मशीन के दूसरी तरफ निकल जाते हैं, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं, सिर्फ मशीन। दूसरी तरफ निकलने पर ऑफिशियली आप सिंगापुर के अंदर हैं, अपना बैगेज कलेक्ट कीजिए, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाइए और अपनी ट्रिप का मजा लीजिए। तो अब बात आती है मेरी नेक्स्ट ट्रिप की, जो कि होने वाले सिंगापुर के लिए फिर से, लेकिन इस बार होगी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ A380 से। तो देखते हैं कि वो ट्रिप कैसी होने वाली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छी ही होगी, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस के जो जहाज़ हैं वो बेस्ट हैं अपनी सर्विस में। मिलते हैं आपसे सिंगापुर में। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।